एक बैड न्यूज है। आज तुम लोग घर साफ करोगे, मैं तो कभी ना करूँ। मामला कैसे लगा आपको? चलिए आपने भी काम स्टार्ट किया है। अपनी सोसाइटी में खाया, बहुत मजा आया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक और वीडियो के साथ और हम वापस आ गए हैं ट्रिप से। हाँ जी, ट्रिप से वापस आ गए हैं। वापस आके एक बैड न्यूज मिली है हमें। हमें एक बैड न्यूज मिली है, लेकिन सबसे पहले आप लोगों ने हमारे ट्रिप के व्लॉग्स को इतना पसंद किया तो थैंक यू सो मच इतना पसंद करने के लिए हमारी ट्रिप को। अच्छा, किसी ने कहा था कि आप किसी टूर के थ्रू गए, लेकिन हम टूर के थ्रू नहीं गए, सब कुछ हम दोनों की प्लानिंग थी, सारा हमने खुद अरेंज किया था, प्राइवेट कार में गए थे, सारी हम दोनों की प्लानिंग थी, कोई टूर गाइड कुछ भी नहीं था। तो जब हम ट्रिप से वापस आए तो हमें मिली थी बैड न्यूज, अली को मिली, क्योंकि अली के साथ था कॉन्टेक्ट, अली ने इतना बिजी था ट्रिप में नहीं देख सके, नहीं पता चला घर आकर जी, हमें फिर पता चला इस बैड न्यूज का। तो अब हम सबको जाके सुनाते हैं बैड न्यूज, और जो बैड न्यूज है उससे रिलेटेड फिर आज हम जो करना है वो आपको बताते हैं। यहाँ पे अली आए हैं हुक्को के पास, तो हुक्को एक बैड न्यूज है। न्यू कर दिया था रेंट पे, वो ना वो जाना चाह रहे हैं, बल्कि चले गए आज, तो अब जाके देखते हैं क्या उन्होंने सफाई की है, क्या किया है, क्या कर दिया है, सफाई करनी पड़ेगी। दोबारा देंगे, दिल नहीं करता देंगे, देख के देंगे जल्दी में दे दिया था। तो फिर चलते हैं, सबको लेकर चलते हैं, सफाई करके आते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या उन्होंने मतलब। वैसे ना सफाई करके जाते हैं, जो घर छोड़ के जाते हैं सफाई करवा के देते हैं। तो चले जी, चलते हैं, जाते हैं और सफाई वगैरह करके आते हैं, जाते हैं एंजॉय करते हैं। एंजॉय क्या करना है, न्यू घर में एंजॉय करना है। तो देखते हैं फिर क्या हालात है घर के, और आयशा को भी लेके जाना है, सब ले जाना है, आधा आधा। तो आयशा तो हमने वैसे रेडी तो किया, आयशा जाएंगे साथ और मरियम सिस्टर ने जाना है, नहीं जाना। तो जी, आप सब लोगों के साथ मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि आप लोग भी इस बढ़ती महंगाई की वजह से परेशान हैं और अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच के परेशान हैं, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों के लिए आई हूँ घर बैठे मोबाइल पे पैसे कमाने का आसान हल। जी हाँ, आपने सही सुना है, मैं आप सब लोगों के लिए लाई हूँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है K1 गेम। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अर्निंग गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जिस पे आप 300 का रिचार्ज करके डेली के 3 से 5 हजार रुपए इजीली कमा सकते हैं। और जिसके अलावा अगर आपके पास गेम खेलने का टाइम नहीं है तो भी आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेके बगैर गेम खेले डेली की अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 300 का डिपॉजिट करवाएं और स्पिन हासिल करें जिसमें आप 3000 रुपए तक हासिल कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन प्लान 7 दिन या 30 दिन का है, जितने का प्लान लेंगे उसके बाद 7 दिन या 30 दिन के लिए आपको रिवार्ड मिलेंगे, और रोजाना हर फर्स्ट लॉगिन पे आपको क्लेम करना होंगे, उसके बाद ही मिलेंगे। रेफर करोगे तो पहले बंदे पे 150, सेकंड थर्ड और फोर्थ पे 180% मिलेगा, और जब वो फर्स्ट डिपॉजिट करेंगे तो उनको भी 10 का रिवार्ड मिलेगा। टोटल 2000 हो जाएगा, तो कमीशन वॉलेट से एक्चुअल वॉलेट में आ जाएगा, जहाँ पे आप उसे यूज कर सकते हैं विड्रॉ के लिए। विड्रॉ के लिए आपका टर्नओवर 10x होना चाहिए उस अमाउंट का। हाँ जी, और डेली चेक इन करने का भी कमीशन है। उसके अलावा जी, नए बंदे को फर्स्ट डिपॉजिट पर 25%, सेकंड पे 15% और थर्ड को 12% तक डिपॉजिट मिलेगा। और जी, न्यू यूजर साइन अप करने के एक हफ्ते के अंदर 4 दफा रिचार्ज करवा के 36,000 तक बोनस हासिल कर सकते हैं। और जी, हर रेफर फ्रेंड पर इनवाइट 600 तक बोनस हासिल करें। K1 के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें और बहुत सारे बोनसेस और प्रमोशन की अपडेट्स हासिल करें। और डिपॉजिट एंड विड्रॉ बहुत इजी हैं और सिंपल स्टेप्स हैं। कैश कैश इजी पैसा और बैंक अकाउंट से आप डिपॉजिट और विड्रॉ करवा सकते हैं। तो जी, अभी जाएं मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर, क्लिक करें, जाकर अपना अकाउंट रजिस्टर करें और ढेर सारे पैसे कमाएं। और एक बात और, अगर आप मेरे लिंक से जाके ज्वाइन करेंगे तो आपको ज्वाइनिंग बोनस भी मिलेगा। पहुंच चुके हैं हम लोग अपने न्यू घर में। तो ये देखें जी, पुराना हो गया, कितने महीने हो गया लिया था जब हमने, तो अब क्या करना है जी। सबसे पहले तो फैंस बहुत गंदे हैं, अंदर भी देखो आज तुम लोग घर साफ करोगे, मैं तो कभी ना करूँ, मैं वीडियो बनाने आई बस कैमरा पकड़ने। पता चले पंखे कैसे साफ करते, जैसे मैं करती हूँ, आज पता चले। सबसे ज्यादा लंबे बंदे को पंखा साफ करना चाहिए, इसका काम है पंखे साफ करना। लेकिन सीढ़ी नहीं है,
बैठो, तंग ना करना ना, फिर स्टार्ट करती हूँ। हल्ली कहना है सबसे पहले मुझसे आप ऊपर जाकर चले, फिर हम स्टार्ट पे चढ़ना पड़ेगा। जैसे आज चढ़ती होती है वैसे ऐसा चलती है। चलो ठीक है, सबसे पहले तो मैं ये वाला मुंडा साफ करी, क्योंकि साफ ही है हमें ये सीढ़ी से पीने, तो सीढ़ी के बगैर हमें मुंडा साफ करना पड़ेगा। ये वाला हल्का सा कर दिया मंदिर वाला जो है ना, मुंडा बोले साफ करेंगे चलिए आ जाए। ये नहीं ठीक हुआ साफ, हमने आपने कुछ नहीं किया, आप कहते हैं फिर ये होना भी नहीं है। देखो कैसे करो मैं साफ, अली से कहो लंबा है। कोई नहीं, जब कोई आएगा ना फिर जो होगा फिर देख लेंगे। चलो फिर आ जाते भी बताओ, सही काम तो सीरीज से होता है। हाँ पहले ड्राई से करते हैं, गीला कपड़ा कब मारते हैं लास्ट पे मारते हैं, नहीं होता बहुत लंबा है। कैसे लगा आपको हुड साफ करना फर्स्ट टाइम? अजीब लगा। अजीब क्या मतलब? कभी नहीं। चलो उतरो उतरो आराम से, मैं आऊँ पकड़ने। चलो अनमोल का हाथ पकड़ो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। चलो देखें क्या हाल था। हाँ मेन काम है जी चपड़ी फेरना, बस जल्दी जल्दी चपड़ी फेरते हैं, बाकी जले वगैरह नहीं लगे हुए। ये लगे हैं, ये करें साफ, लगे हैं इधर में कर, ये ड्राई कपड़े से हो जाएंगे। ऊपर अंदर अब मैं फेरने लगी हूँ चपड़ी, वाइपर पर लगा के और अली जो है ना दरवाजे साफ कर रही है, सारे डोर घंटे साफ कर रही है कपड़े से। शुक्र है अली आपने भी कोई काम स्टार्ट किया करना, मैं आपको करवाती हूँ। यहाँ देखो ये करो, मैं मेरे मेरी आंखें बहुत बड़ी हैं, मुझे नजर आ रहा है साफ। ये देखो वो ऊपर करो, ऊपर वो लगा हुआ जाला इधर इधर, और वो भी लगे हुए देखो उसके ऊपर। ये देखें यहाँ जी मोमना रपड़ी लगाना स्टार्ट कर दी है, और ध्यान से ध्यान ने भी झाड़ू पकड़ ली है। हाँ आशा काम करवाती है, अब आपको पता ही है उसने हेल्पर रखी हुई है। सही हो गया। हाँ बिल्कुल सही की, इतना आसान काम है, तुम लोग रो रहे थे चमक गया देखो, यहाँ से भी हो गया साफ, हमें चमक गया, डोर भी हो गया साफ, भी देखें साफ हो गए। किचन में आ चुकी है, वॉशरूम साफ करते हैं, वॉशरूम साफ हो रहा है, वॉशरूम पानी फेंकते हैं फटाफट से। देखे जी यहाँ अब मोमना क्या कर रही है, मोर भी साफ हो गया, चमक गया। अब मोमना काम जब करती है बड़ा नीट है, क्लीन करती है, ताकत बहुत है मोमना। हाँ चमका रहती, नीचे भी करो। तुम लोग तो समय से आशा साफ करेगी, आशा ने छोड़ दिया होगा साफ करना, पता हमने को कहा है। अली के सोच रहा है, अली कह रहा था आशा से करवाओ, पता तुम्हें। हाँ अली को आज मैंने काम करते देखा, मैं हैरान हो गई, दिखो एक और दिन क्या कर रहा है वो साफ, सीढ़ियाँ साफ कर रहा है। अच्छी बात है। हाँ मोर भी साफ कर रही है मोर, एक पोर्शन साफ कर लिया और बच्चे भी उसके साथ हैं सारे, फिर चमका दिया है, पहली दफा ली थी इतना कुछ किया है। चलो और वॉशरूम साफ करने आई है, और यहाँ देखे जी फैन बिल्कुल साफ है। अब जो ऊपर वाला वॉशरूम साफ हो गया है, अब ये वाला रूम साफ कर लिए, ज्यादा गंदा नहीं है, साफ है। अनमोल देखो जो डोर है साफ हो गया, विंडोज भी अच्छा करने करने आते हैं, अभी सारे विंडोज और सारे घर के डोर साफ किए हैं, और वो ग्रिल भी साफ किया ना, ग्रिल भी साफ किया, और मैं साफ, और मैंने सारे वॉशरूम और रूम साफ किए हैं। हालत ऊपर से भी करते हैं साफ, आप पता है ये देखें, ये अब बड़ा मुश्किल काम है, ये बड़ा आसान काम है, जब इसे कर ले वरना बड़ा खराब हो जाता है। अच्छा, ये किसी करता है, हेल्पर भी नहीं करती है साफ, बैठ के सही कपड़े फिरती है।
तो यहाँ ममता झाड़ू लगा रही है, यहाँ जरूरत नहीं है टपरे लगाने की। अली देखो जी ऊपर चल गए हैं, तो अली क्या साफ कर रहे हैं, बस कर दे अली। कुछ बोलना चाहेंगे? यहाँ अली किचन की विंडो साफ कर रहा है। अली आप इतने सफाई पसंद है, मुझे आज पसंद है। फ्री होते हैं बहुत बिजी, मुझे पता है कहाँ बिजी होते हैं। अब पहुंची है ममना वॉशरूम में, एक और लास्ट एंड होने वाला, बस जल्दी करें, मैं थक गई हूँ। बाल पकड़ के चले ममना, बहुत काम कर लिया जाप ने, आशा ने छोड़ दिया काम करना। मोमना फिर कर रही है यहाँ वॉशरूम की क्लीनिंग। फाइनली घर हो चुका है जी साफ सारा, और बहुत बुरा हाल हो गया ऊपर देख ले, कर लिया साफ सारा हो गया, साफ हो गया, चमक गया, ठीक हो गया, बुरा हाल सारी गरीबी साफ हो गई। दरवाजा अली ने भी बहुत मेहनत किया, हाँ जी अली साफ है, कुछ इतना भी बुरा हाल नहीं था। अली ने बहुत टेंशन ली थी, खराब हो गया, टेंशन इतनी थी, गंदा हो गया, कैसे साफ करेंगे, तो साफ हो गया। ठीक है जी, खुश हैं? आपकी बेटे ने सारा साफ कर दिया, आप ना टेंशन लेना, खुश रहना। आप एक एक चीज साफ करके आई हूँ, किसी कोई मिट्टी वगैरह कुछ नहीं है। सोसाइटी में क्या क्या ब्रांड्स हैं, खाना पीना क्या क्या है, इसी सोसाइटी में आज खाते हैं। ठीक है, जैसे क्या क्या है, क्या चलो सही है, ठीक है ठीक है। नानी के मेरी नानी का घर है, आपकी नानी का भी है, किसकी नानी का? आपकी सबकी नानी का घर है, मेरी नानी का घर है। अच्छा, नानी का घर समझ के लोग यहां, मेरी नानी का घर नहीं है। अली और मोमना ने ना सफाई की है और अब खा चुके हैं, वो अब खाना वाना खा गया है, वो हो सकता है ना निकाल छोड़ के ना तो इधर ही रह पड़े, क्योंकि काम है अली को, तो इधर ही सो जाएंगे, हमें सो जाएंगे फिर आप इधर उधर, सुबह जल्दी उन्होंने काम करना है 8 बजे, आना मुश्किल होगा ना, मैं कह रही इधर ही रह पड़े, हाँ अकेले रह पड़े मैं और अब यहाँ पे अली लगा रहे हैं लोक और हम सब जा रहे हैं बाहर। मम्मा पैदल चले? नहीं, पैदल इधर जा सकते हैं, बस आगे नहीं जा सकते। तो हम आए हैं अपनी सोसाइटी में और यहाँ देखें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी शॉप्स हैं, शॉप्स खाने पीने की देखते हैं जी। इधर लगा दाता हजवेड़ी पे कुछ खाना पीना है, आओ देखते हैं। अली पूछने जा रहे हैं यहाँ पे क्या क्या मिलता है। हाँ जी अली पूछा, खत्म हो गए थे तो खत्म हो गए दही भले। अभी इधर देखें इधर क्या है, इधर भी कुछ लगा सादी दा शवारमा, शवारमा खा ले, क्रीम स्ट्रीम फूड। इधर क्या है और दही भल्ले नहीं मिलते कहीं से, कपड़े कपड़े खाने हैं। इधर देखते हैं, आ गई हैं जी पुप्पो भी, क्या खाना है, इधर रुक गया हम आके, खाने वाला चलो ठीक है आ जाओ। चिकन शवारमा हम रुके हैं जी क्रीम स्ट्रीम पर, अजीब नाम है, आज फर्स्ट टाइम खाने लगे अपनी सोसाइटी से, हम कुछ देखते हैं यहाँ पर। हाँ जी बर्गर और शवारमा वगैरह हैं, फ्राइज, बच्चे तो फ्राइज ही खाते हैं हमेशा की तरह। आप क्या खाएंगे? शवारमा। और पप्पा आप क्या खाएंगे? बर्गर, क्रिस्पी बर्गर। मम्मा मैं फ्राइज खाऊंगी।
ऑर्डर हमने कर दिया है बर्गर फार्म में का, आप देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा होता है। अपनी सोसाइटी में, अपने सोसाइटी में खा रहे हैं और यहाँ पर साथ ही कपड़ों की एक शॉप भी हमें नजर आई है। आहिस्ता आहिस्ता सारा कुछ आ जाएगा है ना। अपनी सोसाइटी में खाया, बहुत मज़ा आया, मज़े का था, मुझे भी पसंद आया। थोड़ा डिफरेंट टेस्ट खाया वहाँ पे, तो हमेशा एक ही जगह से खाते रहते हैं, डिफरेंट टेस्ट खाया लेकिन मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। हाँ एक दफ़ा वैसा नहीं आया मज़ा, ऐसा तो मज़ा नहीं आता, डिफरेंट जगह से खाना चाहिए। अब जी हमने खा पी लिया और अब क्या करना है, हमने अब इनको घर छोड़ के आते हैं और फिर दोबारा इधर आएंगे, दोबारा आएंगे अब जी फुप्पो को और आयशा को घर छोड़ के आते हैं, फिर हम दोबारा आते हैं, फिर आपको हम मिलेंगे सुबह, ठीक है। अब सुबह मिलेंगे जी, बहुत गर्मी है, जल्दी से सुबह आपको मिलेंगे हम न्यू घर में, देखें कैसी सुबह होती है।